चकदर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर स्थानीय नीति को लेकर सरकार पर हमला बोला। चकदरपुर में उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासी के मामले में सरकार मूक दर्शक बनी है। वहीं गीताश्री उरांव ने कहा कि जब तक 1932 के हथियार के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनाई जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोबिन अपनी खरी खरी के लिए मशहूर रहे हैं। उन्होंने सभी सरकारों से आदिवासी मूलवासी के लिए नीति बनाने की मांग की है। आज उनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार को भी आईना दिखाया। वे झारखंड बचाओ मोर्चा की एक सभा में भाग लेने के लिए चाईबासा जा रहे थे। इसी क्रम में वे चकदरपुर में रुके, जहां उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। हमने सदन के अंदर भी रखा और सदन के बाहर भी रख रहे हैं। ये तो हमको सरकार को हम आईना दिखा रहे हैं कि आपको इसको करिए, जो यहाँ के लिए आपकी ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ये ट्रैक से बाहर हो गया। मैं इसको आईना दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लोबिन के साथ पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी झारखंड बचाओ मोर्चा की सभा में भाग लेने पहुंची। गीताश्री ने अब तक झारखंडियों के लिए नीति नहीं बनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि यहां की पहचान खतियान आधारित होनी चाहिए और इसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। झारखंड के बनने का जो उद्देश्य था वो धाराशाही है, और सबसे पहले तो जब कोई भी राज्य बनता है तो वहाँ के निवासियों की पहचान को निर्धारित किया जाता है। जब एकीकृत बिहार में भी थे तब भी उस समय भी खतियान आधारित ही जो है स्थानीयता की का आधार बनता था। आज भी वही आधार पे हम लोग मांग रहे हैं कि खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने। तो इसके लेके पता नहीं क्यों सरकार इतने पेशोपेश में है। ये दुर्भाग्य इस राज्य का कि अभी जो 21-22 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इन बुनियादी चीजों के लिए आज हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए। गीताश्री ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि एक समय में जेपीएससी में 50% से ऊपर के लोग बाहरी आते थे और वे परीक्षा पास भी करते थे। उन्होंने कहा कि आज सरकार नौकरी बांटने की बात कर रही है, लेकिन नौकरी किसे दी जा रही है ये वो जानना चाहती हैं। 50% लोगों ने, बाहर के लोगों, दूसरे राज्य के लोगों ने यहाँ पर जो है अपना जेपीएससी में परीक्षा दी और उसमें से कई लोग जो है उसमें यहाँ पर शामिल भी हुए। जिस तरह से रोहित सर इस बात को बोल रहे हैं कि इतने कड़े जो जमीन संबंधी कानून होने के बावजूद भी यहाँ पर जो जमीन तो लुटी जा रही है, और साथ ही साथ जो हमारे अपने झारखंडियों का जो आदिवासी मूलवासी है, जो हम कहते हैं कि 35 साल की जो नौकरी उनकी अपनी जायदाद है उसमें बाहर से लोग आके झंडा गाड़ रहे हैं। अधिकारियों की तो पूरी अनदेखी की जा रही है। लगातार सरकार जो आए दिन बोलती है कि हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, मगर वो नियुक्ति पत्र किनको मिल रहा है ये हम जानना चाहते हैं। दोनों नेताओं के बयान आदिवासियों और मूलवासियों का दर्द साफ साफ झलकता है। अब यह आंदोलन क्या रुख अख्तियार करता है और परिणाम क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 11 भारत के लिए चकदरपुर से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।